Hello student, I am your EVS teacher Omrita Shaha, assistant teacher of barakpur senate Public Higher Secondary School. Today we are going to discuss about safety habits. We all need some safety habits to be healthy and strong at first uh, we are discussing about some safety habits good habits for example brush your तीत डेली हम लोगों को दो बार ब्रश करना चाहिए वॉश योर फेस हम लोगों को सुबह उठते ही वॉशरूम में जाकर अपना तीत के साथ अपना फेस को भी अच्छी तरीके से क्लीन वाटर से वॉश करना चाहिए वॉश योर हैंड्स हैंड्स भी हम लोगों को क्लीन करना चाहिए खाने के आगे खाने के बाद अगर वैसे बाहर निकले घर में आने के बाद हम लोगों को हैंड वॉश करना चाहिए क्योंकि हैंड क्लीन होना बहुत ज़रूरी है नहीं तो हम लोग बीमार पड़ सकते हैं mm -hmm. कॉम योर हेयर डेली हम लोगों को अपना बाल झाड़ना चाहिए mm -hmm. Have a शावर डेली एक बार हम लोगों को कम से कम नहाना चाहिए गुड हैबिट्स एंड सेफ्टी रूल्स इन डेली लाइफ हम लोगों को डेली लाइफ में रू गुड हैबिट्स और सेफ्टी रूल्स जरूर मानना चाहिए नहीं तो हम लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है तो कुछ सेफ्टी रूल्स के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ़ ऑल नेवर टच गन्स कभी भी कोई गन्स पकड़ना नहीं चाहिए नेवर प्ले विथ फायर कभी भी आग के साथ खेलना नहीं चाहिए सी ने कार सीट वेन यू राइड इन ए कार तो हम लोगों को कार का सीट में जब बैठना चाहिए तब क्या सीट बेल्ट ज़रूर बांधना चाहिए होल्ड अ बिग पर्सनस हैंड वेन यू क्रॉस द स्टेट तो हम लोग जब रास्ते से रोड से जाए और रोड क्रॉस करने का ज़रूरत पड़े तो एल्डर पर्सन का बिग पर्सन का हाथ पकड़कर उनके साथ वो रोड क्रॉस करना चाहिए वेयर अ हेलमेट वेन यू राइड ऑन व्हील्स जब हम लोग कोई भी स्कूटर या बाईसाइकिल में रहे तो हम लोगों को ऑलवेज हेलमेट पहनना चाहिए इससे हम लोगों का हेड सुरक्षित रहता है गेट अ बिगर पर्सनस हेल्प बिफोर यूजिंग अ शार्प टूल कोई भी शार्प टूल फॉर एग्जाम्पल ब्लेड यूज़ करने के समय हम लोगों को एल्डर का हेल्प बड़े किसी का हेल्प लेना चाहिए विदाउट हेल्पिंग ये सब शार्प टूल्स पकड़ना नहीं चाहिए इससे हाथ कट हो सकता है आक्स द बिग पर्सन इन चार्ज बिफोर यू पेट अ डॉग तो कोई भी डॉग को पकड़ने से पहले क्या कोई बिग पर्सन बड़े आदमी को उनके सामने रखना चाहिए क्योंकि नहीं तो बाई चांस अगर वो डॉग काट ले तो बहुत प्रॉब्लम होगा इसीलिए बिना बड़े पर्सनस का एल्डर्स का हम लोगों को कोई भी पेट डॉग्स नहीं पकड़ना चाहिए हैव अ बिग पर्सन्स वॉच यू वेन यू आर गोइंग वाटर तो जब हम लोग स्विमिंग के लिए जाते हैं तब कोई भी एल्डर्स को कोई भी बिग पर्सन्स को संग में ले जाना चाहिए क्योंकि वो उनके देखभाल में हम लोग स्विमिंग प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं अदरवाइज अकेले जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है बहुत रिक्सी है वी शुड नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स और प्ले विथ मैचेस तो हम लोगों को कभी भी इलेक्ट्रिक वायर्स और माचिस के साथ बिल्कुल खेलना नहीं चाहिए डोंट टच इलेक्ट्रिक वायर इलेक्ट्रिक वायर पकड़ने से इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है डोंट प्ले विथ माचिस माचिस के तिल्ली से कभी भी खेलना नहीं चाहिए आग से खेलना बहुत ही डेंजरस है नेवर थ्रो अ बैनाना पेड़ ऑन द ग्राउंड कभी भी केले के छिलके ग्राउंड में फेंकना नहीं चाहिए अगर कोई केला खा के उसको प्रॉपरली डस्टबिन में ना फेंके और उसके छिलके इधर उधर फेंक दे तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है क्या हो सकता है सावान कूड स्लीप ऑन इट कोई उसके ऊपर पैर देने से फिसल कर गिर सकता है उसको चोट लग सकता है इसीलिए कभी भी बैनौना पेल्स बैनौने केले का छिलका इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए ऑलविज़ खाने के बाद वो डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए नेवर पुश और पुल एनी वन दे आर ऑन द स्टेयर्स दे मे फॉल तो कभी भी किसी को पुल नहीं करना चाहिए पुश भी नहीं करना चाहिए जब वो लोग स्टेयर्स में रहे क्योंकि इससे क्या होता है धक्का देने से वो गिर जा सकता है चोट लग सकता है इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए Never hide in a cupboard or inside a box. When closed, you may not get enough air to breathe. कभी भी अपने आप को कब या बॉक्स के अंदर हाइड करना छुपाना नहीं चाहिए क्योंकि इससे क्या होगा जब वो कबर्ड या बॉक्स का डोर बंद किया जाएगा तो उसमें एनाफियर नहीं रहेगा इसके वजह से हम लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकता है do not leave toys around somebody may trip on them and fall हम लोग जब खेलते हैं तब हम लोग खिलौना लेकर चारों ही फैला के खेलते हैं लेकिन खिलना हो जाने के बाद उसको प्रॉपरली फिर से समेट कर प्रॉपर जगह में रखना चाहिए नहीं तो क्या होगा उसमें पैर लगकर उसमें फिसल कर कोई भी गिर सकता है किसी को भी चोट लग सकता है तो खेलने के बाद जो खिलौना लेके हम लोग खेलते हैं जो हम लोग फ्लोर में फैला कर खेलते हैं उसको फिर से इकट्ठा करके प्रॉपर प्लेस में ज़रूर रखना चाहिए ऑलवेज क्रॉस द रोड नियर द सिग्नल और एट द जेबरा क्रॉसिंग तो ऑलवेज़ हम लोगों को रोड क्रॉस तभी करना चाहिए जहाँ पर सिग्नल हो जिससे हम लोगों को समझ में आए कि कब क्रॉस करना है और कब नहीं करना है अदरवाइज जेबरा क्रॉसिंग से जेबरा क्रॉसिंग जहाँ पर देखें वहाँ पर हम लोगों को क्रॉस करना चाहिए क्योंकि जेबरा क्रॉसिंग क्रॉसिंग के लिए ही होता है नेवर गो टू अ स्विमिंग पूल और बीच एलोन कभी भी स्विमिंग पूल में और बीच में अकेला नहीं जाना चाहिए किसी एल्डर्स को किसी बड़े को हमेशा अपने संग लेना चाहिए बी अ गुड सिटीजन तो हम लोग अगर ये सब रूल फॉलो करेंगे तो हम लोग एक अच्छा भारतीय नागरिक हो पाएंगे ऑलवेज़ फर्स्टर सीट बेल्ट वाइल्ड ड्राइविंग एंड सिक्योर सेफ्टी तो हम लोग जब भी ड्राइविंग में जाए तो ऑलवेज सीट बेल्ट पहने और क्या ड्राइविंग बहुत स्लोली करें बहुत फास्ट ना करें जिससे हम लोग सेफ रह पाए कोई एक्सीडेंट ना हो सेफ्टी एट होम हम लोग घर में कैसा सेफ्टी तो रख सकते हैं जैसे डू नॉट प्ले इन द किचन किचन में कभी खेलना नहीं चाहिए किचन खेलने का जगह नहीं है वहाँ पर खाना पकाना होता है और वहाँ पर बहुत शार्प टूल्स रहता है गैस ओवेंस वग़ैरह रहता है इसीलिए वो खेलने का जगह तो बिल्कुल नहीं है वहाँ पर खेलना भी नहीं चाहिए फ़र्स्ट एड बॉक्स घर में फर्स्ट एड बॉक्स ऑलवेज अवेलेबल रखना चाहिए ताकि बाय चांस अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए कहीं पर कट जाए किसी को चोट लग जाए तो डॉक्टर के पास जाने से पहले घर में तुरंत एक ट्रीटमेंट कर दिया जाए बैंडेज वगैरह बांध दिया जाए नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट सम गुड हैबिट्स अगेन फॉर एग्जाम्पल ब्रश योर टीथ डेली हम लोगों को डेली दो बार ब्रश करना चाहिए ट्वाइन ए डे शेयर थिंग्स विथ योर siblings. हम लोगों को अपने भाई बहन के साथ चीज़ें शेयर करके यूज़ करना चाहिए वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए डू योर होमवर्क एट टाइम एकदम समय पर हम लोगों को होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड हम लोगों को खाने से पहले हाथ धोना चाहिए और ऑब्वियसली खाने के बाद भी हाथ धोना चाहिए हेल्प योर मदर इन द वर्क मम्मी को काम में हेल्प करना चाहिए लिसन टू योर एल्डर्स केयरफुली तो हम लोग अपने बड़े का टीचर्स का पेरेंट्स का बात बहुत ही केयरफुली सुनना चाहिए ईट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स डेली बहुत सारे सब्जी और फल खाना चाहिए डू नाट मेक नॉइज़ इन द क्लास क्लास में बिल्कुल नॉइज नहीं करना चाहिए साइलेंट रहना चाहिए गेट रेडी फॉर स्कूल योर सेल्फ स्कूल में जाने के लिए खुद से रेडी होना चाहिए ड्रेस वग़ैरह खुद से पहनना चाहिए अपना बैग भी खुद ही पैक करना चाहिए ट इंक्वायर फॉर योर टर्न जब हम लोग बस स्टॉप में जाए तो अपने टर्न के लिए वेट करना चाहिए और हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करना चाहिए थ्रो वेस्टेज इन डस्टबिन हम लोगों को जो भी वेस्ट थिंग्स है वो डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए प्ले फेयर गेम्स जब भी हम लोग कोई भी खेलना खेले वो इंडोर्स हो या आउटडोर्स हो एकदम फेयर खेलना चाहिए कोई भी चीटिंग नहीं करना चाहिए सो so, ये सारे गुड हैबिट्स अगर हम लोग अपने डेली लाइफ में मान के चलेंगे तो हम लोग ऑलवेज हैप्पी रहेंगे हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग रहेंगे और सबके साथ एंजॉय करके लाइफ बिता पाएंगे सो स्टूडेंट आई होप यू आर ऑल इंजॉइंग दिस लेसन वेरी वेल थैंक यू